लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि आपकी जो रिपोर्ट आई है वो कैसी आई है। आपने रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया, तो इस वीडियो में आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी। और रिपोर्ट तो अल्ट्रासाउंड में देर भी लग जाए तो कोई बात नहीं, वैसे इन्फेक्शन बताया हुआ है तो उसी की दवाइयाँ दे रखी है। और डॉक्टरों ने का कहना है कि मतलब आप सुबह का मौसम हो रहा है, मैं आ चुकी हूँ अपने आग वाले किचन में। और सुबह सुबह से मैंने चाय रखी हुई है चूल्हे पे, इसके बाद बनाएंगे बाहर वाले चूल्हे पे नाश्ता, तो उसी के साथ मिलते हैं आपको। चलिए जी, नाश्ता पानी बनाने के बाद मेरे पास थे थोड़ा सा कपड़ा धोने के लिए, जो कि कल दोपहर के थे। कल दोपहर को आजकल दवाई चल रही है हॉस्पिटल वाली, तो थोड़ा नींद सी आ गई थी, तो कल दोपहर के टाइम पे मैं सो गई थी। अभी सुबह उठ के ना मैंने वो कपड़े कपड़े धोए, और अब थोड़ा बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपको। बाकी दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मैं रूम पर आ चुकी हूँ और इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं, इनको तो खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और अभी गोली दवाई खा के थोड़ा देखते हैं किधर जाना होता है, खेतों में जाते हैं या कहाँ जाते हैं, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। भाई दोस्तों, मॉर्निंग के 8:30 हो रहा है, मैं चली गई हूँ खेत में, और खेत में गई हूँ मैं उखड़ वाले, तो यहाँ पर ये मतलब जो हमने भ्यूल काटा था उसकी सूखी लकड़ियां हैं, इनको एक जगह पे रखना है। अब आगे यहाँ खेत के ऊपरी हिस्से से ना पूरा ये झाड़ी वगैरह साफ कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोदा या झोंगरा बोया जाएगा, तो इसको साफ करते हैं और उसी के साथ मिलते हैं। खुदेड़ी वाली, खुदेड़ी वाली, सब खिजानी वाली, खिजानी वाली, ओ मां। तो 10:30 का टाइम हो रहा है, खेतों में काफी ज्यादा धूप हो गई थी जिसकी वजह से मैं जल्दी थोड़ा घर आ गई हूँ। अब करनी है कमरों की सफाई, तो तीनों चारों कमरों में ना काफी सारी धूल जमी हुई है, क्योंकि आजकल ना जो गेहूं वाला काम चल रहा था उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ही सफाई हो पाई है, तो कमरों की सफाई करती हूँ और तब बनाते हैं खाना। और ये वाला जो रूम है, ये सासू जी और ससुर जी का है, और इसी में शादी वाला टीवी भी मेरा इसी कमरे में लगा है, क्योंकि मैं ना टीवी नहीं देखती हूँ कभी भी, तो इन्हीं के रूम में लगाया हुआ है और ये लोग देखते भी हैं, तो यूज़ हो जाता है, वहीं रखनी चाहिए कोई भी चीज़ हो तो इसी रूम में रहती है। तो बाकी यहाँ के बिस्तर वगैरह और झाड़ू कर देते हैं। जान दफनी यख बैठी अपनो सर्यास निहारी होली ओ मां। तो चलिए जी, इस रूम की सफाई भी हो चुकी है और बिस्तर को ना मैंने बाहर धूप पे सुखाने डाल दिया है। और ये रहा सासू जी लोगों का रूम, और यहाँ बाहर की साइड अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो सासू जी खेत से आ चुके हैं, अब वो फैला रहे हैं गेहूँ, क्योंकि अभी तक जो तिरपाल है वो गीला हो रखा था।
बाकी दोस्तों सास ससुर जी का कमरा साफ करने के बाद यहाँ का भी मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा दिया है, लेकिन बिस्तर नहीं उठाया, बिस्तर ऐसा ही है। इसको उठाने के बाद थोड़ी देर में अपने रूम पे मिलती हूँ। बाकी दोस्तों पूरी सफाई करने के बाद ना मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ। और कल वाले ब्लॉग में काफ़ी लोग मुझे मतलब फ़ोन करके मेरे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या बोला था, वो आपने नहीं बताया। तो रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला था कि मतलब सासू जी ना यहाँ से मुझे मायके भेजने पर तक तैयार हो गए थे। तो भाई दोस्तों सफाई वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, यानी कि पुराने वाले स्वर्ग में खाना बनाने के लिए। और खाना बनाते बनाते मतलब तब गर्मी से होने लग गई थी। उसके बाद मैं नहाई और खाना खा के बिल्कुल मस्त करके सो गए। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, 2:30 बजे पे मैं थोड़ा उठ गई हूँ। और कल की परसों मैंने वीडियो डाली थी, अल्ट्रासाउंड कराने गई थी मैं। तो उसमें काफ़ी लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि आपकी जो रिपोर्ट आई है वो कैसी आई है, आपने रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया। तो इस वीडियो में आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊँगी। और रिपोर्ट तो नॉर्मली आई थी, मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराया था तो उसी की रिपोर्ट आई है। तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया था क्योंकि जो हमारे डॉक्टर हैं वो नहीं थे, वहाँ पर छुट्टी जा रखे थे। तो उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट ही कराया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तबीयत सही है तो अल्ट्रासाउंड में देर भी लग जाए तो कोई बात नहीं। वैसे हम जल्दी चले गए थे, आठवां मंथ चल रहा है मेरा। कोई पूछ रहा था कमेंट करके, मुझे ध्यान नहीं है कौन है, लेकिन कोई पूछ रहे थे कि आप कौन सा मंथ चल रहा है। तो आठवां मंथ चल रहा है और आठवें मंथ में ही हम इसलिए गए थे क्योंकि मेरे ना शरीर में पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो इसलिए कि पता काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, काम के साथ ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है जो कि पचाने में थोड़ा मतलब सब असमर्थ रहते हैं पहले, यानी कि यहाँ जो भी बहू वगैरह आते हैं सबसे पहले साल पक्का है कि वो बीमार होंगे। और जितने भी हम यहाँ पे देवरानी जेठानी है ना, सब एक बार ना श्रीनगर भर्ती होकर आए हुए हैं, मतलब इतनी गर्मी होती है। गर्मी की बात करो तो क्योंकि यहाँ पर इधर उधर से सारा ना बंद है, मतलब खुला नहीं है, तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी और उमस होती है जिसकी वजह से हर कोई बीमार पड़ जाता है। तो इसी तरीके का कुछ हो गया था हमारे साथ, जिसके मैंने पिछले साल की प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताया था कि कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बाकी मैंने ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट कराया था तो उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बताया हुआ है, तो उसी की दवाइयाँ दे रखी है। और डॉक्टरों ने कि का कहना है कि मतलब आप अपने शरीर के लिए ठंडा करो या फिर ठंडी जगह पर हो। तो सासू जी बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि यही बताया था गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और सच में मुझे भी लगता है कि पेट में पता काफ़ी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि मुझे हर चीज़ से दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि खाना खाने में पहले तो नहीं हुई थी मेरी तबीयत खराब, मतलब जैसे होती है नॉर्मली। अब सभी लोगों के लिए तो नहीं कह रही, लेकिन जो मेरे साथ के होंगे उनसे कह रही हूँ कि जो लड़कियाँ होंगी, दीदी भूली मेरी जो भी होंगी, तो पहले से नहीं हुई थी मेरी तबीयत, बिल्कुल सही थी। आपने ब्लॉग देखे होंगे, कंटिन्यू डाल रही थी मैं, तो उनमें तो नहीं हुई थी तबीयत खराब, लेकिन अब हो रही है। तो अब इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो जो भी खा रही हूँ तो उल्टियाँ होती जा रही हैं क्योंकि ना इतनी गर्मी पचाने की ताकत शरीर में नहीं है। तो उसी की वजह से मैं आपको बता रही थी कि मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसी की वजह से हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि जब शरीर का कोई भी अंग मतलब गर्मी पचाने में असमर्थ रहता है तो नॉर्मली सी बात है कि जोर पैरों में पड़ता है, तो इसीलिए दर्द भी हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था पैरों में, अभी भी हो रहा है, जैसे पीछे से मतलब कुछ चिपकाया होगा, इतना ज़्यादा भारी लग रहे हैं पैर। और सूजन नहीं है, मतलब इसीलिए थोड़ा डर गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा जब सूजन नहीं है। तो किसी का तो सूजन आता है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी था, किसी का सूजन आता है लेकिन किसी का नॉर्मली। तो दर्द तो नॉर्मली वाला था, मतलब सूजन नहीं थी लेकिन दर्द हो रहा था काफ़ी तेज, मतलब पैर उठाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो सासू जी का कहना था कि पहले भी उन्होंने कह दिया था, एक बार तबीयत खराब हुई थी तो वो कह रहे थे कि तू अपने मायके चले जा, क्योंकि मेरे मायके साइड में इतना ठंडा है तभी जाके यहाँ पे बीमार होते हैं कि जब हम मतलब डांडा साइड से होते हैं, डांडा कहते हैं गढ़वाली में, कि डांडा गांव के हैं हम, तो डांडा गांव से हूँ मैं, मतलब मेरा मायका जो है वो बिल्कुल ठंडे इलाके का है। और यहाँ ना यहाँ के लिए गंगाड़ बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म जगह है, तो इतनी गर्मी पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो वैसे मैंने पिछली
टाइम ससुराल आई थी, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों से बोला था कि ये मेरा मतलब लास्ट बार है, इस बार इसके बाद में सिर्फ सीधे डिलीवरी के बाद आऊंगी, तो यही सब हुआ था। तो डिलीवरी के बाद तो जा ही रही थी, मैं यही सोच रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है, अटपटा सा भी लगता है, क्योंकि वहां पे ना कई सारे लोग होते हैं जिनके सामने पे जाना मुझे थोड़ा मतलब शर्म से आती है, अब है ना, होता ही है, आप लोग समझ सकते हो जो मेरे से बड़े होंगे या जिनको ये चीजें हुई होंगी, है ना। तो मैं मतलब मना कर रही थी कि अब बाद में ही देखेंगे सीधे, है ना। लेकिन यहाँ पे तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है गर्मी की वजह से, कितना भी ठंडा कर रहे हैं लेकिन मौसम बाहर का इतना ज्यादा गर्मी वाला है, और ऊपर से ना इधर उधर से आग भी लगी हुई है, जिसकी वजह से ना काफी ज्यादा उमस टाइप का हो रहा है, और दवाइयां भी इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि उनसे नींद ही आ रही है, जब देखो तब नींद ही आ रही है। तो इसी वजह से सासू जी कह रहे थे कि यहाँ काफी ज्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी में ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, वो मुझे कह रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि काम तो देख ही लेंगे, जैसे तैसे करके होगा, क्योंकि वो भी बीमारी रहते हैं ज्यादा, तो ज्यादा इधर उधर मतलब ज्यादा मायके में मैं नहीं रहती हूँ, क्योंकि वो भी नहीं कर पाते हैं इतना काम कवर, क्योंकि काफी सारा काम हो जाता है, और मतलब क्या बोल रहे हैं कि तू मायके ही चली जा तब तक कि ताकि मतलब तबीयत सही रहे, लेकिन इससे आने वाले दिन तो और भी ज्यादा गर्मी वाले हैं, तो उनकी बात हो रही है, तो देखते हैं क्या क्या होता है ना। अगर बारिश नहीं होती है एक दो दिन, तो मायके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी में मतलब नहीं पचा पाऊंगी मैं इतनी ज्यादा गर्मी, तो देखते हैं क्या क्या होता है। आप